अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तानी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग। और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालदेन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी हाँ, मौसम बड़ा हसीन है, लेकिन आप सा हंसी कोई नहीं है, तो मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया, शुक्र है, क्योंकि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और अब यकीन करें, कराची वाले इतने तरसते हैं, ज़रा सी बूंदा बांदी हो जाए तो टिकटॉक पर टिकटॉक और प्यारे प्यारे सॉन्ग्स के ऊपर अपनी जो है वीडियोस क्लिक करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। कोई क्या करता है, मैंने बनाए थे पकोड़े, बड़ा मज़ा आया था, लेकिन मैंने कुछ क्लिप नहीं बनाया इस बार, क्योंकि अभी बारिश जम के नहीं बरसी। अभी हम ये कहेंगे कि सावन आए सावन जाए, यानी कि आ रहा और जा रहा है, तुझको पुकारे गीत हमारे। जी हाँ, कभी सावन आ रहा है, कभी जा रहा है, और बहुत सारे। मैं ये कहूँगी कि आज जो ख़ास दिन होता है वो एवरी वेनसडे हम आपके लिए गीतों का ख़जाना लेकर आते हैं और ओल्ड इज़ गोल्ड और ख़ूबसूरत यादों को ताज़ा करते हैं। और सबसे खुशाइन बात ये है कि मेरे कॉलर्स मेरे साथ होते हैं, उनकी प्यारी प्यारी कॉल्स होती हैं, उनकी वो सॉन्ग हमसे शेयर करते हैं, अपनी आवाज़ें शेयर करते हैं। इसमें उम्र का कोई भी बाउंड्री नहीं है, हर एज का बंदा जो है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है, गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी का हिस्सा बन सकता है। और साथ में ये भी बताती चलूँ, इन तमाम जो से लाहौर से निदा हैं, ग़ुलाम अब्बास रावलपिंडी से हैं, जवेरिया पिंडी से हैं, और ज़ीशान टोबा टेक सिंह से हैं, कराची से भी हैं, और गार्डन से कुछ नाम अभी नहीं जहन में है, उसके लिए माजत। लेकिन तमाम लोग जो मुझे रेगुलर कॉल करते हैं, फातिमा भी हैं, और अर्श सर अगर इधर आ जाते हैं ना, तो मुझे कुछ नाम आप बताएं, क्योंकि डायरेक्टर साहब जो है ना अर्श, उनको नाम बहुत ज्यादा याद रहते हैं। जी फरजाना दवाखाना, अरीबा, और बहुत सारे नाम हैं जिनके, जी महक महक भी हैं। अच्छा, इनकी आवाज़ें बड़ी प्यारी है, नो डाउट, वो बड़ी सुरों से जो है ना संगीत करते हुए हमें सुनाते हैं। और कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो ख़ास मजालिस में जाती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें बड़ी प्यारी प्यारी हैं। तो मैं सबका दिल की गहराइयों से अपनी टीम की जानिब से, गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से शुक्रिया करती हूँ। और ये मेरा, मैं एक बार फिर कहूँगी, मेरी टीम का ख़ास कंट्रीब्यूशन है। स्पेशल थैंक्स फॉर शहजाद भाई और मिस्टर अर्श डायरेक्टर हमारे, मैं इनकी मरहूने मिन्नत जो है वो आपके प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम को रिप्रेजेंट आप तक पहुँचाती हूँ। हर तरह साउंड सिस्टम, एक लाइट्स, यानी मैं जो इतनी प्रीटी लगती हूँ ना, ये इन लोगों की काविशों से लगती हूँ। लेट्स सी, इसमें मेरा कोई का हाथ नहीं है, मेरे कोई हाथ नहीं, सीधी सी बात है। अच्छा, लेट्स सी, हम आगे चलते हैं। मौसम बड़ा हसीन है और मैं चटर पटर कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है बड़े प्यारे प्यारे सिंगर यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैंने तो अपनी आवाज़ थोड़ी सी आपसे शेयर कर ली है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर अपने मेहमानों से आपको मिलवाती हूँ। और कुछ रेगुलर हमारे कंटिन्यू हमारे साथ हैं, और माशाल्लाह ख़ास तौर पर वो जो म्यूज़िक को जो डेप्थ देना हो वो हमारे साथ कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर बेहतरीन आवाज़, हर तरह का उतार चढ़ाव, ओल्ड सॉन्ग, न्यू सॉन्ग, हर जगह बिल्कुल फिट बैठते हैं, वो हैं काजी नुमान मुजाहिद सिंगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मुझे लगता है कि आपके पास दो चीज़ों में कहूँगी, म्यूज़िक भी यही देते हैं जी जी। बड़ी अच्छे अंदाज में जो है वो हमारे साथ, बल्कि तमाम सिंगर्स के साथ एक इनकी सपोर्ट होती है। मैं आपको वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और नाज़िन, एवरी वेनसडे सिंगिंग का प्रोग्राम हमारे साथ जॉय करते हैं, एंजॉय कर, दो घंटे मेरे साथ ही आप रहेंगे, और बहुत सारे नए लोग भी जुड़ रहे हैं, पुराने लोग भी हमारे साथ कंटिन्यू चल रहे हैं। तो एक और एक ऐसे पर्सन जिनकी दिल की दर्द की आवाज़ आप हमेशा सुनते हैं, वो भी मेरे साथ रेगुलर हैं, नवा नसरे लतीफ़ साहब। क्या तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं मैं चाहे बैठ जाऊं। ये पता क्या होता है, सिंगिंग करने से ना जरा सा दिल की एक पिशोरी हो जाता है, जैसे कहते हैं, दूसरे भी खुश हो जाते हैं, आपका दिल भी खुश हो जाता है। तो मेरे साथ लतीफ राणा सिंगर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, यहाँ आने की खुशी में जो है ना, वो आधी बीमारी तो रात में ही गुजर गई अच्छा, रात को ये कह रहे खांसी हो मेरी तबीयत, लेकिन खुद ही कह रहे हैं कि नहीं, अगर वो मैं जरूर, तो वो अच्छा है। मैं कहती हूँ अच्छा, चेंज हो गया ना, बैठ कर ही गुजार लो, कम से कम खुश तो हो जाएंगे, आप लोग भी देख लेंगे हमें। क्या बात है, क्या, लेकिन अपनी तबीयत का ख्याल रखें। अच्छा जी, आज हमारे साथ बड़ी प्यारी सी सिंगर, और ख़ास तौर पर मैं थैंक्स करूँगी जो अजीम बेग साहब का, और इनका एक ज़बरदस्त एक पूरा एक इंस्टीट्यूट है, KKC कराची कैरोके
क्लब है और उसको वो रेंट करती हैं। वहाँ बहुत सारे सिंगर, चाहे हर एज, जैसे मैंने कहा कोई एज की बाउंड्री उन्होंने नहीं मेंशन की, हर तरह के जिनकी आवाज़ खूबसूरत हो, जो समझते हैं वो सिंगिंग करना चाहते हैं, उनको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं KKC। और मैं चाहूँगी कि आप भी अजीम बेग साहब से कांटेक्ट करें। अजीम साहब, आप मुझे अगर फेसबुक वगैरह नेक्स्ट टाइम मुझे के बता दीजिएगा, बल्कि हम अम्मी थोड़ी देर में उनको कॉल पर भी लेंगे और वो हमारे साथ बिल्कुल हमें ज्वाइन करेंगे और बताएँगे कि कौन से जो सिंगर हैं वो इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, और उनके प्लेटफॉर्म से माशाल्लाह हमारे साथ यहाँ पर सिंगर मौजूद हैं, सना सफदर साहिबा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। थैंक यू सो मच आप तशरीफ लाएं, और अजीम साहब ने आपको रेकमेंड भी किया। थैंक यू सो मच आपने इनवाइट किया। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं, बड़ी प्यारी आवाज़। और मैं उन सब की मोहब्बतों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ जो इस प्रोग्राम की जो है वो हिस्सा भी बनते हैं और लोगों को भी रिकमेंड करते हैं। शाह जी बहुत शुक्रिया। और यहाँ जो तशरीफ रखते हैं मेरे प्यारे से सिंगर हैं, वो सुलेमान पटेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सुलेमान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन अ शो। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, के बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन साथ साथ नाज़रीन, PTCL नंबर मेंशन हो रहा है, आप देख सकते हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ शहजाद भाई महमूद मोहम्मद अख्तर साहब फ्रॉम कराची, पुराने कॉलर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अख्तर साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा हो गया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ईद के बाद फिर हाँ थोड़ा टाइम लग गया मुझे आने आने में। टाइम हो गया, फिर सिलसिला आगे के बस मैं भी थोड़ा आगे पीछे हो गया था। ओके, उसके बाद मैं इंतजार कर रहा था बुध आने का। मैंने कहा बुध तो बहुत लंबा हो गया, पता है कितने महीने बाद आएगा। चलिए जी, कोई बात नहीं, लेकिन आप आ गए, मुझे अच्छा लगा। कराची से, कराची की कौन सी शहर से हैं, मुझे जरा बताएंगे? इलाके से, सॉरी, कराची में मैं हूँ, नॉर्थ कराची से बताया था आपको मैंने। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों का नाम लिया, अब मैं आपका भी नाम लिया करूंगी। आप मेरे इतनी मोहब्बत करने वाले कॉलर हैं कि स्पेशल आपने स्टार्ट में ही कॉल कर दिया, आपने सबर भी नहीं किया। हमारे सिंगर अभी देख, अभी आज साहब ने मुझे कहा कि आप यहाँ पर आ जाएं लाइव हमारे पास। हाँ, क्या बात है, जबरदस्त। तो आए ना, क्यों नहीं आ रहे? उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा हाजिर हो जाऊंगा फोन करके। बिल्कुल। अच्छा, आज मौसम बड़ा बेईमान। आज क्या सुना रहे हैं ये बताएं मुझे। आज मैं आपको सुनाऊंगा कि वो तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। वाह जी वाह, वाह जी वाह अख्तर साहब जी, स्टार्ट करें जल्दी से, शुरू करूं? जी। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तस्वीर तुम हो जो दिल पे लिखी है, वो तहरीर तुम दुनिया हो, मैं क्यों ना एक राज करूं।
वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह जी वाह, मोहम्मद अख्तर साहब फ्रॉम कराची, नौतनाबाद, हमारे जबरदस्त कॉलर, बहुत अच्छा लगा। अब औरों की भी बारी आनी है ना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये जो एक इंट्रैक्शन है मुझे बहुत अच्छा लगा। इब्तदा हो गई मोहम्मद अख्तर साहब से, चलते हैं हम नुमान साहब के पास और ज़रा सा पहले प्रोग्राम की बात करते हैं, उसके बाद इनसे खूबसूरत सा कौन सा गाना रेडी किया हुआ ये बताइए। मल्टीपल गाने हैं आज, आज मौसम के हिसाब से भी लाया हूँ। आज पहला गाना कौन सा है? धड़कता अकेला ना जाना, अकेले अब इस के थोड़ा उदास से शुरू करेंगे। अच्छा चलो कोई बात, बाकी बताएं प्रोग्राम कैसा चल रहा है। देखिए लोग बड़ी मोहब्बत से कॉल करते हैं। देखिए जैसे लतीफ भाई ने कहा कि तबीयत खराब थी, लेकिन ये सुन के कल प्रोग्राम उनकी आधी तबीयत वही ठीक हो गई। सो विदाउट एनी डाउट जो हमारा मॉर्निंग शो है उसकी जो शान है वही हमारे कॉलर्स हैं। और उनकी मैंने कहा ना कि अपना शौक तो शायद कहीं और रह गया, लेकिन ये जो हमारे कॉलर्स की मोहब्बत है जी, ये हमें यहाँ पर खींच के ले आती है एवरी वेनसडे। और जो बीच में गैप आया था तो जैसे कि अभी हमारे कॉलर ने भी कहा, सो हमसे भी इंतजार नहीं हो रहा था कि काफी सारा गैप हो गया। सो बात ये है कि ये जो रिलेशन है ना, ये जो इस प्रोग्राम की जान है एक्चुअली, अगर आप देखें ना तो इसकी कोई मिसाल इस वक्त पाकिस्तानी किसी चैनल पे नहीं मिलती। इस प्रोग्राम की जान है, इस प्रोग्राम की इस प्रोग्राम की जान एक्चुअली ये कॉलर्स हैं। अरे यार, ना वो सभी है, ना वो नुमान है। देखे ना यार लतीफ साहब, ये मैं छोड़े आप गाना सुनाया आपने, छोड़े यार, इससे अच्छा तो मेरे कॉलर है, कम अज कम मेरा नाम तो लेते। चले जी, ये तो एक मजाक, हम लोग जरा सा लगे रहते हैं, ये जरा दिल लगी हम कर लेते थोड़ी सी। चलें जी, एक अकेले ना जाना। चले नहीं जाएंगे सर, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। नुमान भाई हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। शहजाद भाई अगर इसको ऑन कर दें ट्रैक को जी। अकेले ना जाना, अकेले ना जाना, हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, तो अकेले जाना जा रहा था। वो बार बार कुछ क्या इधर से प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, कुछ थोड़ा अच्छा सा। थोड़ा सा देखें इसको सही तरह, एनर्जी आपने चार्ज सोलर सिस्टम पे लगाएं इसको, पाकिस्तान के ना सोलर सिस्टम पे लगाएं। लेट्स सी, चनवान साहब ने जबरदस्त एक सॉन्ग पेश किया अकेले ना जाना, और ये बड़ा जबरदस्त ज़ेबा और वहीद मुराद का एक खूबसूरत एक ट्रैक था जो दोनों ने वन बाय वन जो है वो प्रेजेंट किया, बड़ा जबरदस्त और एवरग्रीन सॉन्ग्स में से है पाकिस्तान के जो सदाबहार सॉन्ग्स। सदाबहार जब जब आप सुनेंगे, जब जब आपको अच्छा लगेगा। अच्छा जी, हमारे साथ क्या बात है जी, ये देखिए सोया परवेज साहब की याद सता रही है। परवेज साहब की कोई जगह नहीं ले सकता वैसे, सही बात, लेकिन उन्होंने थोड़ा सिखा दिया सबको। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, हम चलते हैं जरा मेरे ख्याल में मैं सना की तरफ चलती हूँ, के सी को रिप्रेजेंट करते हुए। और सना ये बताएं कौन सा सॉन्ग आप पेश करेंगे। जो ना मिल सके वही बेवफा। हाय हाय। अच्छा इसके ऊपर कैरोके पे करना है या ऐसे? कैरोके। ओके ठीक है जी, आर यू रेडी नुमान? जी जी। चलें जी। अच्छा माइक, माइक नहीं आपको लगा? आप बराबर में हो रहा। इट्स ए गुड, हो गया जी, गुड हो गया। ओके दैट्स, हाँ आप फिक्र नहीं करें, ऑन है। अच्छा वो स्टेज पे गाते ना, कहते हेलो ठीक। सोहेल ने तीन बार ऐसे की। अच्छा थोड़ी इससे बात करें, अभी पता चला आवाज़ आ रही है आपको जी, मजे की। अच्छा कब से सॉन्ग वगैरह ये आपने कब से क्लब ज्वाइन किया ये बताइए। एक्चुअली क्लब तो मैंने अभी एक साल भी नहीं हुआ ज्वाइन। अच्छा। किया है। अजीम बेग साहब हम लोगों को बहुत ज्यादा इनकरेज करते हैं। मैंने कैरोके पे कभी भी गाए नहीं थे सॉन्ग्स ना। अच्छा। मैं लाइव म्यूजिक पे हमेशा गाया है, क्योंकि सिंगिंग तो मैं बचपन से कर रही हूँ। ओके। लेकिन कैरोके पे गाने के लिए जो मुझे इनकरेज किया वो अजीम बेग साहब ने किया है, तो अब कैरोके में अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है, मीन की अगर कोई हमें सपोर्ट कर रहा है या हमारी करेक्शन कर, आवाज तो आपकी थी लेकिन आपको थोड़ा एक ट्रैक चाहिए था। बिल्कुल ऐसे, जबकि कैरोके पे गाना आसान नहीं है, जितने लोग यहां बैठे हैं वो बता सकते हैं। मैं कहती हूं वो फीलिंग मुझे, मैंने एक बार ट्राई किया ना तो वो मैं बड़ी अपनी धुनों में मगन हो गई। तू आंदी जांदी सावरगा मेरे पिंड दी जांदी रावरगा, तू आंदी जांदी सावरगा माया वे
गले सुन पहले मैं इस पे गाऊं मैं भूल ही जाऊंगी कि क्या सुर लगे थे. तो वो मुझे इतना पसंद है ये सॉन्ग. लेकिन वो आप लोग बहुत, मैं कहती हूँ बड़ी बात है कि आप लोग इसको बड़ा अच्छा एक लेके चलते हैं. ये सिंगर ही कर सकते हैं हम जैसे हो. प्ले करें जी. प्ले नूरजहां की आवाज़ में बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग जो कि एक एवरग्रीन सॉन्ग और बहुत अच्छा, मतलब आपने हक अदा कर दिया. मैं ये कहूँगी मैं थैंक्स करूँगी अजीम बेग साहब का जो इतना खूबसूरत तोहफा उन्होंने दिया. बहुत ज़बरदस्त. वही बात जो हम करते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पाकिस्तान में हीरे नगीने एग्जैक्टली जो कि कहीं छुपे हुए और इसका इसका क्रेडिट वंस अगेन सभी आपको और अर्श को जाता है. आपको सिलेक्शन जो सिलेक्शन नहीं बल्कि जो ये प्रोग्राम आप लेके आए जिससे नगीने निकल के आ रहे हैं. अच्छा सबसे अच्छी हम लोगों ने एक मुस्तकिल मिजाजी इसमें प्रोग्राम में रख दी. अच्छा जीशान टोबा टेक सिंह से आ गई जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो सभी आपने क्या हाल. मैं ठीक हूँ जीशान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह. और जी मौसम बताएं कैसा हसीन है मौसम तो. अच्छा ये मुझे लग रहा है कि मौसम की वजह से जरा आवाज भी ऊपर नीचे हो रही है. आवाज क्लियर नहीं आ रही है जीशान भाई. अप डाउन हो रही है आवाज, अप डाउन हो रही है आपकी. आप बताएं आप बेहतर है. अब बेहतर है. आप जरा टिक जाए एक जगह. अच्छा अब क्या सुनाना चाह रहे हैं मौसम के हिसाब से ये बताइए. तो माइये शाइये सुना दे. एक तो विनस टीवी का जो दूसरा है ना अपना फैट भी चेंज होगी आपके चैनल की इधर तो अब नहीं आता. वो जैसे कहते हैं कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओ. लेकिन आप बदल गए. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आप टेंशन नहीं ले. अच्छा ये बताइए कि अभी जो है आप कौन सा सॉन्ग सुना. कोई माइये शाइये टप्पे शप्पे सुनाए क्या सुनाना चाह रहे. अभी आप ही सुनाता हूँ आपको काजी नुमान को. पहले नंबर पे तो मेरा सलाम देव और लतीफ राणा साहब को. तो उसके बाद ये सना सना है माशाल्लाह अच्छा इन्होंने गाया. मैडम की गजल गा रही थी बहुत अच्छा लगा सुन के और अच्छी आवाज. अल्लाह ताला इन्हें मजीद तरक्कियां दे. आमीन. हाँ जी अरूज पे जाए जैसे सभी आप ही आप अरूज पे पहुंची हुई है इंशाल्लाह ये भी अरूज पे जाए. आपकी मोहब्बत में जो है ना ये नए नए सिंगर्स आ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा वर्सटाइल जो है वो हर तरह के आपको सॉन्ग हर तरह के सॉन्ग्स मिले आपको जिसमें पुराने भी हों नए भी हों और उसके अंदर खास तौर पे ऐसे जिनके अंदर बेहतरीन शायरी और बेहतरीन आवाज मौजूद हो. सो सिंगर्स को ढूंढ के ला रहे हैं अर्श साहब और आप देख रहे हैं कि हर हर एक दो प्रोग्राम से बाद आपको सिंगर चेंज नजर आते हैं. बस हम दो लोग शायद पकड़ के बैठ गए प्रोग्राम को. सभी और निशान क्या सुनाएंगे आप जानी जी. मैं सुनाता हूँ आपको चूड़ियां फिल्म का सॉन्ग सुनाइए. कोठे तो कावे है उड कोठे तो कावे साडे दिल दा परोला कोई ना तैनु चूरिया जो पावे है उड कोठे तो कावे कोठे मैं जदो मजिया नु पावा पटे मैं जदो मजिया नु पावा पठिया भी पंड चुक के मैं ते सौ सौ बल खावा पठिया भी पंड चुक के मैं ते सौ सौ वाल खावा उठ कोठे उतो कावावे उठ कोठे उतो कावावे. क्या बात. खप कावा की पाई होई ए वाह वाह ये बात जानिया माहीनों की कांका लई होइए जानिया माहीनों की का
लही होइए उठ कोठे तो काम आवे उठ कोठे तो काम आवे। क्या बात है भाई। जत में बैके सुदृढ़ जत में बैके चूड़ा गीत गांदाए मेरिया मंगा ना लिखे खेके चूड़ा गीत गांदाए मेरिया मंगा ना लिखे खेके उठ कोठे उतो कामावे उठ कोठे उतो कामावे साडे दिल दा परोना कोई ना तेनु चूरिया चो पावा। तेरी खैर हो। वाह ईशान भाई वाह 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 जबरदस्त जबरदस्त मजा आ गया। और जो आपने इफेक्ट डाला ना इसके अंदर जो कौवे की आवाज लिटरली मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं बाहर से गाना गा रहे हैं यहाँ पे कौवा बैठा हुआ है। मुझे लग रहा है ईशान ने पहले कौवा पकड़ा तो कौवे तो उसे मार दिया उसके बाद इसकी आवाज निकाली। मजा आ गया ईशान साहब बहुत शुक्रिया। देखो ना ये भी एक फन है कौवे की आवाज निकालने के फन है। वाह नो डाउट नो डाउट आपने रियल कर दिया। आज मैं आपका ऑडियो लिसनर हूँ। आज मैं बिल्कुल प्रोग्राम टेलीविजन के स्क्रीन पर नहीं देख रहा लेकिन फेसबुक पे अभी आपको ज्वाइन करता हूँ। ओके आज से तो आपको लाइव स्ट्रीम भेज देंगे टेंशन नहीं ले। ठीक है ईशान भाई बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग अल्लाह हाफिज। ओके बहुत शुक्रिया। और उनके भी नंबर आने चाहिए ना ईशान भाई क्या हो गया फिर। अच्छा जी नाज़िम पता क्या है यहाँ पर जो है कभी कभी ना कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूशन कहीं हो रही होती कहीं नहीं होती तो ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत जल्द जिस जगह पर अगर नहीं है फ्रिक्वेंसी नहीं आ रही तो वो हम आगे आपको बता देंगे तो इंशाल्लाह ताला वो ऑन हो जाएगी। डोंट यू वरी। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी जो चूड़िया फिल्म का जो अपने गाना जो ईशान टोबा टेक सिंह से जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में परफॉर्म किया था ये साइमा और मोहम्मद राना की सुपर डुपर हिट फिल्म थी सैयद नूर की रिप्रेजेंटिंग थी और जो खूबसूरत सा एक एम्बियंस था बिल्कुल ओरिजिनल गांव का वो कभी नहीं हम भूलते। वो बड़ा प्यारा साइमा ने उस पर परफॉर्म किया और बहुत सिंपल सिटी से बेहतरीन एक चीज़ बड़ी पॉइंटेड थी वरना ऐसे लगता कि इतनी दुल्हन बनी हुई है ये नहीं। उसने वो ही लांचा और वो धोती और जो है भैंसों में जाना और हर चीज़ बड़ा रियलिस्टिक प्रेजेंट किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना जब देखते हमें ऐसा लगता जैसे हमारा गाँव का वाकई में जो देहात गांव जो प्रेजेंट किया था उस फिल्म में बहुत अच्छा प्रेजेंट किया था। लेट्स सी यहाँ लेंगे ब्रेक। मेरे सारे मेहमान मेरे साथ मेरे कॉलर मेरे साथ लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।